हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पीक फ्लो मीटर के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पीक फ्लो मीटर क्या होता है और किस बीमारी में इस डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं मेज़रमेंट करने के लिए, और ये डिवाइस किस तरीके से आपको यूज़ करना है, और अगर आप ये डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी का पीक फ्लो मीटर आपको परचेज़ करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पीक फ्लो मीटर, इस मीटर को हम यूज करते हैं अस्थमा के अंदर। जनरली अस्थमा के अंदर होता क्या है कि जो हमारा एयरवे है वो टाइट और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो आपका अस्थमा वेल टॉलरेटेड है या सीवियर है या पुअरली टॉलरेटेड है, उसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीक फ्लो मीटर का। बेसिकली पीक फ्लो मीटर में क्या किया जाता है कि जो आपकी एयर लंग्स में भरी हुई है उसको फोर्सफुली एक्सहेल आउट किया जाता है, और पीक फ्लो मीटर में पता लगाया जाता है कि जो आपका अस्थमा है वो किस लेवल का है। तो बेसिकली पीक फ्लो मीटर के अंदर तीन जोन होते हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन का मतलब होता है कि आपका अस्थमा वेल टॉलरेटेड है, येलो जोन का मतलब होता है कि आपका अस्थमा पुअरली टॉलरेटेड है, और रेड जोन का मतलब होता है कि आपका अस्थमा सीवियर है और वर्सन होता जा रहा है। दोस्तों, पीक फ्लो मीटर की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके अस्थमा अटैक को ट्रिगर कर रही है, या कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। तो बेसिकली पीक फ्लो मीटर एक मेज़रमेंट डिवाइस है जो आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को पता लगाता है कि आपका जो अस्थमा अटैक है वो किन कारणों की वजह से हो रहा है, और वो कितना कंडीशन सीवियर है और पुअरली टॉलरेटेड है या वेल टॉलरेटेड है। तो दोस्तों, जब आप ध्यान से देखते हैं पीक फ्लो मीटर को तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम एयर कितने लीटर्स पर मिनट की स्पीड से आप बाहर निकाल रहे हैं, आप एक्सहेल आउट कर रहे हैं, वो आप इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मेज़रमेंट डिवाइस है पीक फ्लो मीटर, यानी कि जो आप जब आप फूंक मारते हैं तो कितनी स्पीड से आपके लंग से एयर बाहर आ रही है, वही हम इस डिवाइस के अंदर मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिवाइस का मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, इस डिवाइस के मेज़रमेंट के लिए जब आप इस डिवाइस को परचेज़ करते हैं पीक फ्लो मीटर को, तो इसके साथ आपको एक चार्ट देखने को मिलता है जिसमें मेल और फीमेल्स के लिए चार्ट रहता है, जिसमें आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से इसके जोन डिवाइड करने हैं वो इसके अंदर दिया रहता है, और आपको ये चीज़ें अपने पीक फ्लो मीटर में सेट कर लेनी है कि आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका अस्थमा है वो वेल टॉलरेटेड है या पुअरली टॉलरेटेड है या सीवियर है। दोस्तों, अगर आप पीक फ्लो मीटर परचेस करना चाहते हैं तो हमने उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से अपने लिए पीक फ्लो मीटर को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया पीक फ्लो मीटर में बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।